हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ट्रू कलर ऐप के बारे में कि ट्रू कलर ऐप क्या है। अब आप सोचेंगे कि ट्रू कलर ऐप क्या है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ट्रू कलर ऐप कैसे काम करता है और कैसे हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल करके पैसे कमाता है। दोस्तों, अभी से कुछ टाइम पहले ट्रू कलर ऐप को लेकर एक न्यूज सामने आई थी। न्यूज ये था कि ट्रू कलर ऐप यूजर्स के बिना परमिशन से उसके फोन से एक मैसेज भेज रहा था यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रू कलर के जो यूजर्स हैं उनके इजाजत के बगैर उनके ही फोन से एक मैसेज भेज रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ट्रू कलर हमें यूज करना चाहिए या नहीं, क्या ट्रू कलर सेफ है या नहीं। वेल, आपको अंदाजा लग ही गया होगा, लेकिन मैं आपको पूरी एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कि ट्रू कलर ऐप कैसे हमारे डेटा को चोरी करता है, हमसे क्या क्या एक्सेस लेता है, वो सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रू कलर ऐप क्या है और ये कैसे काम करता है। ट्रू कलर ऐप में बेसिकली होता ये है कि अगर ये ऐप आपके फोन में इंस्टॉल है और अननोन नंबर से यानी अनजान नंबर से किसी का कॉल आता है और वो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, तो ट्रू कॉलर के जरिए पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है उसका ये नाम है। अब हम बात करते हैं ट्रू कॉलर ऐप कैसे काम करता है। आपको बता दें कि ट्रू कॉलर ऐप क्राउड सोर्स का इस्तेमाल करता है। क्राउड सोर्स को अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये हमसे ही डेटा लेते हैं, डेटा यानी पर्सनल डिटेल्स। ये हम जैसे यूजर से पर्सनल डिटेल्स लेते हैं और यही डिटेल्स हम जैसे यूजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इस ऐप की 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है। अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा है ट्रू कॉलर लव बाय 250 मिलियन यूजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऐप को 250 मिलियन लोगों ने पसंद किया है। अगर आप आगे स्टेप में जाएंगे तो आपसे आपका नंबर मांगा जाएगा, फिर आपके कॉन्टैक्ट को यूज करने के लिए परमिशन मांगेगा। अगर आप अलाउ करते हैं तो फिर से परमिशन मांगेगा आपके मैसेज को पढ़ने और सेंड करने के लिए, यानी कि वो आपके मैसेज को पढ़ सकता है और किसी को सेंड भी कर सकता है। अगर आप फिर अलाउ करते हैं तो आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर ट्रू कॉलर के सर्वर में स्टोर हो जाएगा यानी सेव हो जाएगा। इसी तरह से ट्रू कलर के जितने भी यूजर्स हैं प्ले स्टोर पे 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, तो उन सभी लोगों के फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर ट्रू कलर के सर्वर में स्टोर हो चुका है। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के फोन में 1000 कॉन्टैक्ट है तो 10 व्यक्ति के फोन में 10,000 कॉन्टैक्ट हुए। तो जब कोई पर्सन ट्रू कलर के वेबसाइट या एप्लीकेशन में किसी का नंबर सर्च करता है तो ट्रू कलर अपने डेटाबेस में चेक करता है कि ये नंबर किस नाम से सेव है और किस लोकेशन से, तो वही नाम और लोकेशन ट्रू कलर बता देता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि किसी का सिंपल फोन है तो उसका नंबर ट्रू कलर में कैसे शो होता है। हालांकि सिंपल फोन है एंड्रॉइड नहीं है जो ट्रू कलर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा सकता है, बल्कि ऐसे सिंपल फोन में ट्रू कलर ही नहीं बल्कि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, तो नंबर कैसे शो होता है। देखिए, मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट है और उनमें से 5 ऐसे नंबर्स हैं जो सिंपल मोबाइल के नंबर्स हैं, जो बिल्कुल एंड्रॉइड नहीं है, जो साधारण सेट है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उन 5 में से किसी का भी नंबर कोई थर्ड पार्टी यानी तीसरा व्यक्ति ट्रू कलर में जाके सर्च करता है तो उसका नाम बता देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो 1000 नंबर अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है जिनमें से 5 सिंपल मोबाइल के नंबर्स हैं, तो वो सारे नंबर्स को ट्रू कलर अपने सर्वर में स्टोर कर लेता है, उसके डेटाबेस में वो सारे नंबर आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति सर्च करता है तो उसको नाम बता देता है। मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 5 सिंपल मोबाइल नंबर में से कोई एक नंबर मेरा है और आपने मेरा नंबर टेक्निकल मेहताब से सेव किया है, तो कोई थर्ड पार्टी अगर ट्रू कॉलर की वेबसाइट पे जाके सर्च करेगा तो उसको टेक्निकल मेहताब ही शो होगा। अगर आपने मेरा नंबर बिल गेट्स के नाम से सेव किया है और कोई थर्ड पार्टी जाके ट्रू कॉलर की वेबसाइट में चेक करेगा तो उसको बिल गेट्स ही शो करेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज से कुछ टाइम पहले ट्रू कॉलर को लेकर एक न्यूज सामने आई थी। न्यूज ये था कि ट्रू कॉलर ऐप यूजर्स के बिना परमिशन से उसके फोन से एक मैसेज भेज रहा था ICICI बैंक UPI रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब आपका फोन है और आपके बिना इजाजत से मैसेज भेज रहा था।
और सफाई में ट्रू कलर के मालिक क्या कहते हैं मालूम है, ये एक बग था जिसे फिक्स कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हमारे फोन से एसएमएस भेजे जा सकते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब आप ट्रू कलर ऐप इंस्टॉल कर रहे थे तब उस टाइम आपसे एक परमिशन मांगा गया था व्यू एंड सेंड मैसेज का, आपने उस टाइम अलाउ कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रू कलर अपने हिसाब से किसी को भी मैसेज भेज रहा था। और दूसरी परमिशन है कॉल लॉक्स का। कॉल लॉक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी को कॉल करते हैं या आपके पास किसी का कॉल आता है, किससे कब कितनी देर बात करते हैं, वो सारी की सारी चीजें ट्रू कॉलर अपने सर्वर में स्टोर कर लेता है। और तीसरी परमिशन है मेक एंड मैनेज कॉल का। अगर आपने ये परमिशन अलाउ कर दिया तो आपके फोन कॉल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्रू कॉलर अपने हिसाब से मैनेज करेगा। इसके अलावा आपके फोन में कई सारे परमिशंस देखने को मिल जाएंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ट्रू कॉलर परमिशन ले रखा है, जैसे कैमरा। अब आप खुद सोचिए कि एक नंबर ट्रेस करने के लिए कैमरा की क्या जरूरत है। और देखिए माइक्रोफोन, यानी कि हम फोन पे जो भी बातें कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, पर्सनल बातें, वो सारी बातें ट्रू कॉलर सुन रहा है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, फोन, एसएमएस, स्टोरेज, मतलब पूरा कंट्रोल इनके पास है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो उससे पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, वो हमारे सिस्टम की क्या क्या एक्सेस ले रहा है वो पढ़ें, तभी इंस्टॉल करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि ज्यादातर हमारे स्मार्टफोन या कंप्यूटर में जो वायरस आने का खतरा रहता है और हमारा जो बैंक अकाउंट हैक होता है उसके जिम्मेवार ज्यादातर हम खुद होते हैं, हमारी गलतियों की वजह से ऐसी सारी चीजें होती है। अगर आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। और हाँ, अगर आप अपना बैंक अकाउंट सेफ रखना चाहते हैं, हैकर से कैसे बचाएं, तो इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों ट्रू कलर ऐप इतने सारे परमिशंस ले रहा है, इतने सारे डेटा ले रहा है कि वो डेटा से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहा होगा। क्योंकि आज के जमाने में जितनी वैल्यू पैसा की है उतनी वैल्यू डेटा की भी है। अब आप सोचेंगे कि हमारे डेटा से ट्रू कॉलर कैसे पैसे कमा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि डेटा शेयरिंग करके, मतलब आपका डेटा यानी पब्लिक का डेटा बेच के वो लाखों रुपए अरबों रुपए छाप रहे हैं। जैसे अपने फोन में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इंटरनेट पे जो भी चीजें सर्च करते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो गया तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बार बार एड्स दिखाए जाते हैं ताकि आप खरीद लें। ये भी एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप इंटरनेट पे होम लोन के लिए सर्च करते हैं तो आपको अगले दिन कॉल आ जाता है, तो ये सब चीजें ऐसे ही काम करती है। और ट्रू कॉलर प्रीमियम फीचर्स से भी अच्छे खासे इनकम जनरेट करते हैं, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल है तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को कॉल करते हैं या किसी का कॉल आता है तो वहां पे एक एड्स देखने को मिलता है, उससे ट्रू कॉलर की कमाई होती है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई डेटा शेयरिंग का ही है, पब्लिक का डेटा किसी बड़े कंपनी से बेच के लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने का ये फंडा होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का। अगर आप ट्रू कॉलर के वेबसाइट पे जाके उसके प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या डेटा हमारा ले रहा है। तो चलिए उसके वेबसाइट पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद देखिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ट्रू कॉलर विल कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड एनी डिवाइसेस यू मे यूज इन योर इंटरेक्शन विद आवर सर्विसेज। दिस इन्फॉर्मेशन मे इंक्लूड, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या क्या ले रहा है, जियोग्राफिकल लोकेशन, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है पता है, फोन की आइडेंटिटी होती है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग इंडियन है, ठीक, तो कहीं पे प्रूफ करना हो कि आप कैसे इंडियन है तो आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे या वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे या फिर आधार कार्ड दिखाएंगे। ठीक उसी तरह फोन की आइडेंटिटी होती है आईपी एड्रेस, तो ये आईपी एड्रेस का भी एक्सेस ले रहा है। दूसरी चीज है देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस हो गया, डिवाइस आईडी हो गया, डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स एंड टाइप, हार्डवेयर की सेटिंग क्या है, सिम कार्ड्स कितना यूज हो रहा है, एप्लीकेशंस इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस, यहां तक कि हमारे फोन में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल है सब उसको पता है। आईडी फॉर एडवर्टाइजिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वेब ब्राउजर कौन कौन से है, और IMSI हो गया, स्क्रीन रिजोल्यूशन हो गया, आपका फोन में क्या क्या यूजेस है वो हो गया, डिफॉल्ट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन कौन कौन से है, आपके एड्रेस बुक क्या क्या है और आपके डिवाइस का लॉक क्या है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स एंड मैसेजेस जो आपके पास आ रहे हैं वो सारा डेटा उसके पास भी जा रहा है। मतलब फोन हमारा, पूरा डेटा हमारा, पर कंट्रोल उसका। अब आप मुझे बताइए कि इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या नहीं,
आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इन दोनों वीडियोस को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जान पहचान के लोग हैं, उन्हें यह शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।